इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी, सी बराबर प्राइस ऑफ बी एंड सी माइनस बी बराबर 90, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैन बी। ओके जी, तो सबसे पहली चीज हम लोग साइन लॉ को यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए अपॉन में साइन ए, यहाँ से देखिएगा ए अपॉन में साइन ए, या फिर बी अपॉन में साइन बी से शुरू करते हैं, बी अपॉन में साइन बी और सी अपॉन में साइन सी, ये रेशियोज हमारे पास बराबर होते हैं एंड इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। तो इस रेशियो का जब आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर कि ए सी बराबर थ्री बी है ना, कितना है सी बराबर थ्राइस ऑफ बी है, तो अब अगर मैं यहाँ से कहूँ कि मुझे सी की वैल्यू कितनी मिल रही है, सी की वैल्यू मिल रही है के टाइम्स ऑफ साइन सी, तो आप कहेंगे के टाइम्स ऑफ साइन सी जो है वो थ्री के टाइम्स ऑफ साइन बी हो जाता है। तो इट मीन्स हमारे पास साइन सी जो है वो थ्राइस ऑफ साइन बी के बराबर है। ठीक है जी, अब हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो बी की वैल्यू है, या फिर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो हमारे पास सी माइनस 90 हो जाएगा, ये सी की वैल्यू जो है वो बी प्लस 90 हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को, ये सी माइनस बी बराबर 90 डिग्री दे रहा है। तो लेट अस से कि हम लोग यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सी की वैल्यू जो है वो बी प्लस 90 डिग्री है हमारे पास। ओके जी, और यहाँ से अगर मैं आगे बोलना चाहूँ कि मुझे साइन सी की वैल्यू बता दीजिए, तो वो जाएगा साइन 90 प्लस बी हो जाएगा, और साइन 90 प्लस बी जो होता है वो कोसाइन बी के बराबर हो जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को जब आप यूज करेंगे तो ये कोसाइन बी बन जाएगा और ये थ्री साइन बी हमारे पास बन जाएगा। तो एक्चुअली में टेन बी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मैं कोसाइन को इधर और थ्री को वन के अपॉन में ले आएंगे, सो टेन बी बराबर वन अपॉन में थ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।